हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वन टॉपिक। जी हाँ दोस्तों, जहाँ मैं आज आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी ट्रिप जो होने वाली है आपके लिए बहुत ही खास। तो गंगा नदी के किनारे बसे प्रमुख शहर, इस ट्रिप में मैं आपको बताऊँगा कि गंगा नदी के किनारे जो बसे हुए शहर हैं उनके क्या नाम हैं। जी हाँ, तो शुरू करते हैं वीडियो और अच्छे से आप इसको समझिएगा, ध्यान से आप इसको पढ़िएगा क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। गंगा नदी के किनारे बसे प्रमुख शहर जो ट्रिक होने वाली है आपकी वो हो जाएगी कान्हा बाप हवाई वेग से भागा। ठीक है, कि कान्हा बाप हवाई वेग से भागा। तो ध्यान लगा के इसको, इस ट्रिक को आप देख लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रिक है और आपके ध्यान में रखने वाली ट्रिक है। तो क्या है कि कान्हा बाप हवाई वेग से भागा, तो ये कौन कौन से शहर है, चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, जो हमारा पहला जो आप बनने वाला है कान्हा से आपका गंगा किनारे जो शहर बसे हुए हैं, तो कान्हा से आपका हो जाएगा कानपुर। ठीक है, तो बा से आपका हो जाएगा बक्सर। ठीक है, का से आपका हो जाएगा कानपुर, बा से आपका हो जाएगा बक्सर, और नंबर तीन पर जो आपका आता है वो आता है कान्हा बाप, वैसे आपका बन जाएगा पटना। पटना क्या है, बिहार का एक शहर है जो कि गंगा के नदी के किनारे बसा हुआ है। कानपुर भी गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, बक्सर और पटना। नंबर चार पर आपका आता है हवाई, तो ऐसे आपका हो जाएगा हरिद्वार, बहुत ही फेमस सिटी, आप इसको जानते हैं, बहुत ही फेमस सिटी है। और बाहर से भी यहाँ पर जो टूरिस्ट होते हैं, बाहर से जो लोग होते हैं वो भी यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं, तो आपको इसका पता ही है। ऐसे आपका हरिद्वार हो गया। और नंबर पाँच पर जो आपका आता है वह आता है बाहर से, तो बाहर से आपका हो जाएगा, आपको पता ही है, वाराणसी। ठीक है, बाहर से आपका हो जाएगा वाराणसी, आपको आप जानते ही हैं, वहाँ से वाराणसी हो जाएगा। फिर आता है आपका ई, नंबर छः पर आपका ई आता है, हवाई बन गया, ये हवाई हो गया, ये बाप हो गया और ये काना। तो हवाई से ई से आपका हो जाएगा इलाहाबाद, इलाहाबाद को अभी जो नाम बदल के रख दिया गया है, इलाहाबाद का प्रयागराज राज कर दिया गया है। ठीक है, तो ये है, इसको आप इसी ट्रिक से याद रखिए, इसको प्रयागराज से मत याद रखिए। और हाँ, सबको पता है इलाहाबाद का जो नाम है वह प्रयागराज है दूसरा, तो आप इसी तो आप नोट करते रहिएगा ये सब। और हाँ, एक विनती आपसे जरूर करूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को आप लाइक नहीं करते हैं, ये छोटी सी आपसे शिकायत है, आप वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। तो अगला जो है आपका आता है वेग, नंबर सेवन पर आपका आता है वेग, वेग से आ जाएगा इलाहाबाद, आपको मैंने बता ही दिया है, तो वेग से आपका आ जाएगा बेगूसराय, एक बेगूसराय करके एक शहर है। ठीक है, बेगूसराय करके एक शहर है, ये बिहार का ही है बेगूसराय। ठीक है, नंबर एक पर आपका आता है से भागा। ठीक है, तो सह से आपका जाएगा साहिबगंज, से भागा, सह से आपका साहिबगंज हो जाएगा। ठीक है, साहिबगंज आपका हो जाएगा, सह से साहिबगंज हो जाएगा। और बचा आपका एक लास्ट, तो क्या भागा, मैं आपको ये इधर लिख देता हूँ भागा, तो भागा से आपका बन जाएगा जी। ठीक है जी, तो भागा से आपका हो जाएगा जी, देखो बहुत गर्मी लगी है यार, तो भागा से आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, भागा से आपका हो जाएगा भागलपुर। क्या है, मैं भी गंगा के किनारे ही बसा हुआ शहर है, एक बार फिर से हम इसको देख लेते हैं। तो क्या है, कान्हा बाप भाई ने जिसे भागा, ठीक है, गंगा नदी के किनारे बसे प्रमुख शहरों की, तो क्या हुआ कि कान्हा से आपका कानपुर हो गया, और बाद से आपका बक्सर हो गया, बाद से पटना हो गया, ऐसे हरिद्वार हो गया, बाद से वाराणसी हो गया, इससे इलाहाबाद हो गया, वेग से
बेगूसराय हो गया और आपका सही से साहिबगंज हो गया और भागा से आपका भागलपुर हो गया। तो ये थी आज की हमारी ट्रिक और मिलेंगे इस वीडियो में। और हाँ, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब तो करते नहीं हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और मिलेंगे इस वीडियो में, जब तक कि जय हिंद जय भारत।